अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। लेकर आप देवास एसपी कार्यालय पहुंचे, आपने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है, क्या मामला है? ज्ञापन हमें इसलिए यहाँ एसपी ऑफिस पहुंचे हैं कि हमारे गांव में अभी पंद्रह दिन बाद उसमें हमारे गांव में मोटर कांड हुआ था, मोटर पकड़ी थी, केबल चोरी हुई हमारी किसानों की, उसके हित में हमने चोरों को पकड़ा। चोरों को पकड़ने के बाद में चोर तो भग गए, उनकी बाइक हमने पकड़ ली थी, तो उसको हम देवरी चौकी पर लेकर गए, तो उसके द्वारा पुलिस ने नंबर देखकर सामने वाले को पकड़ा। पकड़ने के बाद में उन्होंने कम से कम 7-8 व्यक्ति को पकड़ा, तो कुछ दो आदमी पे इन्होंने केस लाद दिया छोटा मोटा करके, ठीक है। दूसरे दिन वो जमात के तौर पे बाहर भी आ गए, वो बाकी का जिसने मोटर खरीदी थी उसको नहीं पकड़ा, छोटे मोटे बाकी को सबको वैसे लेकर सबको छोड़ दिया। इसलिए हम एसपी साहब के पास में आए हैं कि यहाँ पर उसका वो मुझे धमकी भी दी गई, एसआई साहब ने मुझे बुलाया। कौन से एसआई हैं? मयंक वर्मा जी है। कहाँ पर पदस्थ प्रभारी? अच्छा हाँ, और उनके साथ में होमगार्ड में है बाबी बेस उर्फ कुलदीप, इन्होंने मुझे बुलाया और धमकी दी कि जो ज़्यादा तेज चलेगा तो तुझे हम 34 कर देंगे या दूसरे केस में फंसा कर। तो आपने किस बात का विरोध किया? मैंने इस बात का विरोध किया था कि गाँव की जो मोटर है चोरों को छोड़ो मत, दंड इनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा होनी चाहिए। अब यहाँ क्या चाहते हैं आप? हम इसलिए हैं, मुझे पुलिस द्वारा धमकी मिली है कि तुझे दूसरे केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरा गांव में जुलूस निकाल देंगे, इतने लट मारेंगे तुझे कि तू याद करेगा। अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब मिले, क्या आश्वासन दिया? आप अभी हम साहब से मिले हैं, उन्होंने बताया कि जाँच के लिए हम इसको भेज रहे हैं, क्या इसकी पूरी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हम तो ऐसा हिसाब करने पर बिल्कुल कड़क हिसाब से, और जो चोरी का मोटर खरीदता था उस पर कार्रवाई, उसमें कुछ भी नहीं कार्रवाई, उसको छोड़ दिया, उस पर भी कार्रवाई की मांग चाहते हैं। हाँ, उस पर मांग चाहते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? संतोष पाटीदार। कहाँ रहते हैं आप? मऊखेड़ा।